What does the graph say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, एक बार वीकली चार्ट को देख लेते हैं क्योंकि वीक खत्म हो गया, तो वीकली चार्ट क्या हमें शो कर रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे। यह निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर काफ़ी दिन के बाद वीडियो बन रहा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जब यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स था तो हमने RSI वर्सेस प्राइस एक्शन ये डाइवर्जन देखा था। कैसे? जब यहाँ पर ये हायर हाइज बन रहे थे तभी नीचे RSI में लोअर हाइज बन रहे थे, यानी क्लियर कट यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जन है। तो यहाँ पर ये हमें दिखा था कि यहाँ से हो सकता है प्राइस में फॉल आए, और उसके मुताबिक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में एक करेक्शन आ रहा है। अभी ये करेक्शन, ये जो 20 EMA का सपोर्ट लाइन है, ये 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, इसका जो लो है इस कैंडल का, ये जो वीक में कैंडल बना है एग्जैक्ट, इसने इस लेवल के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने की कोशिश की है। बाउंस बैक होने की कोशिश की है जब अभी फिर से सेकेंड वेव जो आया है कोरोना वायरस का, उसका जो इम्पैक्ट है वो देखते हुए लॉकडाउन कर दिया पूरे महाराष्ट्र में, और काफ़ी देश में भी लॉकडाउन की स्थिति है। तो यहाँ से अभी 2 दिन से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली चार्ट में देखें 2020 मार्च फरवरी जनवरी में क्या हुआ था, जब भी कोरोना वायरस के न्यूज़ आ रहे थे तो एक माहौल सा बन गया था कि जैसे चाइना में लॉकडाउन हुआ है, वुहान सिटी को पूरा लॉकडाउन कर दिया, वैसे हो सकता है धीरे धीरे पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो सकता है। तो इसका डर मार्केट को ये नीचे ला रहा था। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, ये फरवरी का है, जनवरी से स्टार्ट हुआ फरवरी, फिर मार्च, और जैसे ही मार्च ख़त्म होने को आया तभी हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन का ऐलान हुआ, और उसके बाद यहाँ से निफ्टी इंडेक्स जो बाउंस बैक हुआ है वो ज़बरदस्त तेज़ी में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। तो अभी लॉकडाउन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो लास्ट 3 दिन से यहाँ से बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। ये डेली चार्ट को हम देख रहे हैं, अभी डेली चार्ट में ये 3 मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। इसके ऊपर अगर आता है, सस्टेन करता है, तो और फिर यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। जो यहाँ से ये जो सेकेंड वेव का एक न्यूज़ चल रहा था काफ़ी दिनों से फरवरी से, तो ये न्यूज़ के चलते डर के मारे यहाँ पर हम निफ्टी इंडेक्स में एक साइडवेज पैटर्न टू डाउनवर्ड ट्रेंडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी हो सकता है बाउंस बैक आए, लेकिन जब तक इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता तब तक हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसको इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर फ्राइडे का अगर आप सिनारियो देखें आर्ली चार्ट में, तो ये जो फर्स्ट आर का कैंडल बना है, इसका जो हाई है और इसका जो लो है, इसके ऊपर या फिर नीचे क्लोज नहीं हो पाया, इसी रेंज के बीच में ये पूरे दिन ट्रेड हो रहा था। तो अभी यहाँ पर एक कह सकते हैं हम साइडवेज पैटर्न बना हुआ है, एक स्लो मूविंग करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। तो अगर ये जो जोन यहाँ पर बन रहा है, कंसोलिडेशन का जोन यहाँ पर बन रहा है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी 14669 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और हो सकता है उसके बाद ये जो गैप क्रिएट हुआ था 3 दिन पहले, हो सकता है ये फील हो, तो तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14691 ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14716, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस है इसके नीचे, यानी जो फ्राइडे का लो था अराउंड 14561, जस्ट क्लियर कर लेते हैं 14558 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14534, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14511, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए, यानी 19 अप्रैल के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी आर्ली चार्ट में सिनारियो देखे तो सेम यहाँ पर लग रहा है, फर्स्ट आर के कैंडल के बीच में ये पूरे दिन ट्रेड हो रहा था। तो इस कैंडल का हाई
और लो हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एज अ काम कर सकता है। तो ऊपर 32,322 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 32,407, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 32,525, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ये जो ब्रेकडाउन लेवल है 31,885, इसके नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 31,806, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 31,721, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you very much and happy trading.